हाउस बिल्म शी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गुलाम जलानी खटाना, टीचर UPSG रेशवारी। आज की डेट है 22/5/2021, दिन है सैटरडे। क्लास है 7th, सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, टॉपिक है आय। प्यारे बच्चों, ये ज्योग्राफी का चौथा लेसन है, T1 का चौथा लेसन है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है प्यारे बच्चों? द एनवेलप ऑफ द एयर दैट कंप्लीटली अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। प्यारे बच्चों, ज़मीन के इर्द गिर्द एक हवा का एक एरिया है ज़मीन से इर्द गिर्द, तो इस एरिया को कहते हैं एटमॉस्फेयर। जितनी भी गैसें हैं इस एटमॉस्फेयर में, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह, ये सभी इसी एटमॉस्फेयर में हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है ट्रोपोस्फीयर किसे कहते हैं? इट इज़ द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये हवा की सबसे निचली लायर है, यानी ज़मीन से ऊपर पहली लायर है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। प्यारे बच्चों, जो भी बड़े जहाज़ हैं, या ऐसे कहेंगे जो भी जानवर वगैरह, ये ऊपर ऊपर हवा में ये उड़ते हैं जहाज़ हैं, ये बड़े बड़े जंगी जहाज़ वगैरह इस हवा में चल इस ट्रोपोस्फीयर में चलते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है। इसी वजह से ये जहाज़ जो चलते हैं ये ट्रोपोस्फीयर में चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 मेजर गैसेस। प्यारे बच्चों, ये जो हवा में 2 गैसें हैं ज़्यादा मकदार में हैं, एक है नाइट्रोजन। इसकी मैं मकदार बताऊंगा आपको, इसकी हवा में मकदार है 78%। हवा में नाइट्रोजन की मकदार 78% है। उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार कितनी है? 0.3%। इसी तरह मेजर सोर्सेस ऑफ द पोल्यूशंस। प्यारे बच्चों, यहाँ पर है मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूशंस। तो मेजर सोर्स ऑफ द पोल्यूशन का ये वजूहत सबसे बड़ी कौन सी है? ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ वगैरह, गाड़ियों का धुआं है, इसके अलावा फैक्ट्रियों का धुआं, इससे ये आयर है ये पोल्यूशन हो जाती है। तो मेजर इसका सोर्स जो है पोल्यूशन का वो ऑटोमोबाइल्स है, यानी गाड़ियाँ वगैरह। तो यहाँ पर दूसरा है हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर यहाँ पर लिखा है 13 किलोमीटर। हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर 13 किलोमीटर है।